नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इंस्टाग्राम के पुराने अकाउंट को डिलीट कैसे कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम के पुराने आईडी को अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो, जिस आईडी को आप यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने इंस्टाग्राम की पुरानी आईडी को डिलीट करना चाहते हो तो किस तरीके से आप जो है इंस्टाग्राम के पुराने अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। गाइज अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना, और गाइज आपको ऑल पर सेट कर लेना है, इससे आने वाली हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप इंस्टाग्राम के जिस भी पुराने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो, सबसे पहले गाइज आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करना है। इंस्टाग्राम में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर इस प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, आप जिस भी अपने पुराने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो, जिस भी इंस्टाग्राम की आईडी को डिलीट करना चाहते हो, यहाँ पर आपको उस आईडी को लॉगिन कर लेना। तो यहाँ पर आपको अपनी आईडी को चेक कर लेना। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इस वाली आईडी को डिलीट नहीं करना चाहता, तो यहाँ पर मैं जो है अपने दूसरे पुराने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो, इसलिए मैं यहाँ पर इस वाली आईडी को लॉग आउट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं जो उस पुरानी आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ। उस आईडी को लॉगिन करने के बाद ही आप अपने पुराने अकाउंट को डिलीट कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर की और इस थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स पर जाना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको लॉग आउट पर क्लिक करना, और इसके बाद यहाँ पर आप जिस भी पुराने अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हो, यहाँ पर जिस भी पुराने अकाउंट को आप डिलीट करना चाहते हो, यहाँ पर आपको उस आईडी को लॉगिन कर लेना। तो यहाँ पर आपने जो है उस पुराने अकाउंट को जिस भी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से अकाउंट क्रिएट करा था, यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी टाइप कर लेना है, क्योंकि हम जो है मोस्टली यहाँ पर मोबाइल नंबर से ही इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने आपके पास जितने भी नंबर हैं उन सभी नंबर से आपको ट्राई करना है, जिस नंबर से आपका अकाउंट बना होगा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से ट्राई कर सकते हो, और यहाँ पर अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है तो आप अपना पासवर्ड फॉरगेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, और इसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड फॉरगेट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो अपना मोबाइल नंबर टाइप कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप कर लिया। इसके बाद आपको जो है फॉरगेट योर लॉगिन डिटेल के आगे इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और इसके बाद गाइस यहाँ पर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में जो भी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर लिंक है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डाल देना है। इसके बाद सिंपली आपको जो है नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस मैं यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से लिंक यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ पर आप अपना जो भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी टाइप करोगे, इस ईमेल आईडी पर लॉगिन लिंक सेंड कर दिया जाएगा, और उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है अपने पासवर्ड को रीसेट कर पाओगे। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप करा था, यहाँ पर आप देख सकते हो ईमेल आईडी पर यहाँ पर जो है ओटीपी आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे आप जीमेल में जाओगे, इसके बाद यहाँ पर आपको उस आईडी को लॉगिन करना है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टाग्राम की ओर से यहाँ पर मेल आ चुका है। यहाँ पर अगर आप अपने पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको रीसेट योर पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपको इंस्टाग्राम पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड रीसेट कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद आपको अपना नया पासवर्ड टाइप करना है, इसके बाद फिर से न्यू पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद पासवर्ड को री एंटर करना है, इसके बाद आपको रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। तो गाइज मैंने यहाँ पर न्यू पासवर्ड टाइप कर लिया। इसके बाद जैसे आप रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करोगे तो गाइज आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पर रीसेट हो जाएगा, और इसके बाद आप जो है अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद आपको उस आईडी को लॉगिन कर लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी जो है आईडी यहाँ पर लॉगिन हो चुकी है, और इसके बाद यहाँ पर आपकी जो है इंस्टाग्राम की पुरानी आईडी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप उस आईडी को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको जो है नीचे की ओर इस प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ऊपर की ओर इस थ्री लाइन ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको एक हेल्प का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप हेल्प ऑप्शन पर क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ पर आपको हेल्प सेंटर पर क्लिक करना है,
और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेज को कम्प्लीटली लोड होने देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर की ओर थ्री लाइन ऑप्शन पर क्लिक करना, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मैनेज योर अकाउंट ऑप्शन पर आपको जो है क्लिक करना होगा। और इस ऑप्शन पर क्लिक करते यहाँ पर आपको जो है अपने अकाउंट को डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइज आपको सिंपली डिलीट योर अकाउंट पर क्लिक करना है, और जैसे ही दोस्तों आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को टेम्परेरी डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर आना है, और यहाँ पर आपको डिलीट अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली डिलीट योर अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप इस डिलीट योर अकाउंट पर क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ पर आपको अपने अकाउंट को डिलीट करने का रीज़न सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी एक रीज़न जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्रिएटेड सेकंड अकाउंट पर क्लिक कर लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर आपने जो भी पासवर्ड रीसेट करा था यहाँ पर आपको जो है अपना पासवर्ड टाइप कर लेना है। यहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम की पुरानी आईडी का पासवर्ड डालने के बाद सिंपली आपको डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करते ही आपका इंस्टाग्राम का पुराना अकाउंट यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। तो फटाफट मैं जो अपना पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। तो गाइस अपना पासवर्ड डालने के बाद जैसे आप डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करोगे इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपका जो है अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ डेट भी यहाँ पर जो है शो हो रही है, यानी आपका जो है अकाउंट 1 मंथ के बाद जो है ऑटोमेटिकली परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। लेकिन 1 मंथ तक आपका जो है अकाउंट हाइड रहेगा, आपको जो उस आईडी को अपने इंस्टाग्राम में लॉगिन नहीं करना है। अगर आप लॉगिन कर लेते हो तो आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा, लेकिन अगर आप लॉगिन नहीं करोगे तो गाइस आपका जो है 1 मंथ के बाद आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, और 1 मंथ तक आपका जो है अकाउंट हाइड रहेगा, किसी को भी शो नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपने इंस्टाग्राम की पुरानी आईडी को आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना।